Reflexive pronoun. It is a pronoun in which the action turns back to the subject. In such pronoun, the subject and the object is the same person. For I, myself, as a reflexive pronoun. For we, ourselves, as a reflexive pronoun. For you, yourselves, or yourselves, is reflexive pronoun. We used himself for he and herself for she as a reflexive pronoun. Similarly, for they, we use themselves as a reflexive pronoun. Positions where reflexive pronouns comes. It comes after a verb. For example, she cared herself. It also comes at the end of the sentence. Computer doesn't work itself. Reflexive pronoun also come after preposition. For example, he painted all the house by himself. Acha, reflexive pronoun kaise kehte hai? Reflexive pronoun wo pronoun hote hai jo subject ko represent karta hai, wapas subject ko represent karta hai. Matlab ye ke isi tarah ke pronoun mein subject aur object एक पर्सन होते हैं, मतलब सेम पर्सन होता है. हम आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए और सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, एंड ही के लिए हैम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ इस्तेमाल करते हैं. कहाँ पर ये इस्तेमाल होते हैं, उसकी पोजीशन क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की? तो ये फर्स्ट पोजीशन उसकी जो है ना, ये वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है. जिस तरह के एग्जांपल में है, शी केयर्ड हरसेल्फ. ये सेंटेंस के आखिर में भी इस्तेमाल होते हैं. जिस तरह के एग्जांपल है, कंप्यूटर डजंट वर्क इटसेल्फ. तो यहाँ पर इटसेल्फ सेंटेंस के आखिर में आया है. इसका तीसरा पोजीशन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है, ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? ये प्रीपोजिशन के बाद भी आता है, स्पेशली पैसिव सेंटेंस में. ही पेंटेड ऑल द हाउस बाय हिमसेल्फ. यहाँ पर प्रीपोजिशन बाय है, हिमसेल्फ क्या है? ये प्रीपोजिशन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. तो सादा अल्फाजों में अगर हम इसकी तारीफ करें तो ये है कि इसी तरह एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है.